नमस्कार, रूबीज पंजाबी किचन में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो एक सब्ज़ी लेकर आई हूँ वो मैं बहुत कम से कम इंग्रेडिएंट्स में बनाऊँगी और सिंपल रखूँगी उसको। कोई फ्री फंड का मसाला नहीं डालना अपने उसमें। और मेरा दावा है, आप अगर आप मेरी विधि से बनाएंगे तो आपको वो स्वाद कभी नहीं भूलेगा। तो देख लीजिए मैंने इसमें अभी क्या क्या लिया है। ये मैंने अदरक, इसमें अदरक थोड़ी सी ज़्यादा डलती है, तो ये तकरीबन 2 इंच अदरक है, 4-5 लहसुन की कलियाँ हैं, 1 हरी मिर्च है और थोड़े से धनिया के ये स्टेम्स हैं। आप धनिया के स्टेम्स इसमें ज़रूर डालें क्योंकि हमने इसमें कोई फालतू मसाला नहीं डालना, यही चीज़ें डलेंगी। हम इनको काट के मैं इस मसाले का पहले पेस्ट बनाऊँगी और उसके बाद इन टमाटरों का अलग से पेस्ट बना लूँगी मिक्सी में करके। तो जल्दी ही मिलती हूँ इनको पेस्ट बनाने के बाद। तो फ्रेंड्स, मैंने ये लहसुन, अदरक और 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया की डंडियाँ यानी कि स्टेम जो होती है उनको पीस लिया है। ये क्वांटिटी पूरी तकरीबन 1 बड़ा चम्मच हो गई है। ऑयल मैंने गर्म होने रख दिया है, अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी। 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं इसे भून लूँगी। गैस का जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम से थोड़ा सा कम कर दिया है। ये रेसिपी जितनी कम इंग्रेडिएंट्स में मैं बना रही हूँ और जितनी जल्दी ये बनके तैयार हो जाएगी, ये सुपर डुपर टेस्टी लगेगी। हाँ, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो बिना लहसुन के भी ये रेसिपी आप अदरक और टमाटर का पेस्ट से भी बना सकते हैं लहसुन के बिना। बस टमाटर थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा और ले लीजिएगा, 1-8 टमाटर और ले लीजिएगा। और आपने देखे होंगे मैंने जब दिखाए थे टमाटर, मैंने खट्टे वाले देसी टमाटर नहीं लिए जो दूसरे सलाद वाले टमाटर होते हैं, क्योंकि इसमें टमाटर की ही ग्रेवी बनेगी। मैं कुछ और नहीं, जैसे अनियन वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला, तो ग्रेवी जो है टमाटो से ही बनेगी। तो टमाटर मुझे ज़्यादा चाहिए तो इसलिए मैंने वो खट्टे टमाटर नहीं लिए। अब ये देखिए 1-1.5 मिनट हो गया है, ये पेस्ट थोड़ा सा भुन गया है क्योंकि इसमें जो कच्चापन है वो नहीं रहना चाहिए वरना स्मेल अच्छी नहीं लगेगी कई लोगों को। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये टमाटर का पेस्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिल सकें। और आपसे हाथ जोड़ के एक विनम्र निवेदन है कि जब आप वीडियो पर आते हैं, क्लिक करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा देख के समझ नहीं आता, जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पता लगेंगी कि चीज़ को कितना भूनना है, क्वांटिटी कितनी रखनी है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, नए हैं अभी, वो किचन में नए नए घुसे हैं, किसी को शौक है या किसी की नई शादी हुई है, तो हम मेरी ये कोशिश है कि मैं कम से कम सामान में आपको एक अच्छी चीज़ बनानी सिखा दूँ। और इसलिए आप मेरी ये जो कोशिश है उसको कामयाब करेंगे। आपका इतना साथ मुझे मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, आपके जो मैं कमेंट पढ़ती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि आप जो है रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो बस रिस्पॉन्स पूरा दीजिए, थोड़ा सा और रिस्पॉन्स दीजिए ताकि वीडियो जो है मेरा वॉच टाइम जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए, यही आपसे मेरी गुजारिश है। देखिए, हम इतनी मेहनत से चीज़ें बनाते हैं, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। वैसे अगर मैं ये सब्ज़ी बनाने लगूँ तो मेरे ख्याल मुझे 10 मिनट में मैं किचन से बाहर हो जाऊँगी, लेकिन जब हम लोग वीडियो बनाते हैं तो इसमें कम से कम जो आप 5 मिनट की वीडियो आपके पास आती है उसके लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है हमें। तो आप बस ये ध्यान में रखिए कि हमारी जो मेहनत है आपकी बदौलत ही सफल होगी। आप सबका साथ मेरे साथ ऐसे ही बना रहे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, ये जिसमें मैंने मसाला पीसा था उसी में से मैंने पानी, ये तकरीबन 1 कड़छी के करीब पानी है या 2 बड़े चम्मच समझ लीजिए, क्योंकि मुझे ये टमाटोज जो हैं वो पकाने हैं, मुझे ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। अब इसमें ज़रा सा बस खुला ही एक उबाला आ जाएगा तो मैं इसमें बाकी के सूखे मसाले डाल दूँगी। तो देखिए, एक उबाल आ गया है, मैंने गैस को बीच में थोड़ा सा तेज़ कर दिया था, अब मैंने फिर से मीडियम कर दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी नमक, स्वाद अनुसार नमक। ये देखिए, बिल्कुल 1 पिंच
लाल कुटी हुई मिर्च और बहुत थोड़ी सी ही हल्दी डालनी है, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी, और तकरीबन आधा चम्मच भर के सूखा धनिया, क्योंकि इससे भी जो ग्रेवी है उसमें गाढ़ापन आता है। और अब जैसे देख रहे हैं सर्दियां हैं, तो सर्दियों में जब हम धनिया डालते हैं तो वो उसकी तासीर गर्म होती है, टेस्ट तो आता ही है ऑफकोर्स, सब्ज़ी में गाढ़ापन भी आता है और हमें वो थोड़ी सी गर्मी भी प्रदान करता है। तो बस अब मैं इसको, मेरे को लग रहा है एक दो बूंद, मेरे को एक दो चम्मच पानी और डालना चाहिए। ये देखिए मैंने तकरीबन एक कड़छी पानी और डाल दिया है, क्योंकि अभी सूख ही जाएगा और मुझे जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छे से बनानी है, मतलब गाढ़ी तो करनी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी, लेकिन सूखा नहीं बनाना बिल्कुल सब्ज़ी को। अब मैं तकरीबन ये एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, ये मैं बताना भूल गई थी, अभी ही याद आ गया, अभी लेट नहीं हुआ। अब इससे क्या होगा, तीखा तो नहीं लगेगा, कम लगेगा, लेकिन इससे देखिए कलर बहुत, एकदम से डालते ही देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो गया ग्रेवी का। अभी थोड़ी सी जब ये और पक जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा। तो मैं इसे बिल्कुल मीडियम गैस कर रही हूँ और इसको 3 से 4 मिनट मैं ढक के पकाऊंगी। तो ये मैंने ढक दिया, अभी 3-4 मिनट बाद फिर से मिलती हूँ। तकरीबन 3-4 मिनट हो गए हैं, मैंने बीच में एक बार और चला दिया था। अब मैंने यहाँ पर एक कटोरी मटर लिए हैं, अगर मैं वज़न में देखूँ तो ये तकरीबन 40 से 50 ग्राम है। ये मैं पहले ही डाल रही हूँ क्योंकि मटर गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ग्रेवी के साथ ये भी पक जाएंगे, बस दो से तीन मिनट में ही पक जाएंगे। मटर बहुत अच्छी आई हुई है मार्केट में, आप देख ही रहे होंगे, और मटर आई है ताज़ी ताज़ी तो उसकी सब्ज़ी तो बनानी बनती है। तो बस अब मैं इसे ढक के 2 से 3 मिनट पका लूँगी। तो देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं, अच्छा सा उबाल आ गया है, मेरे ख्याल मटर भी गल गए होंगे। अब मैं इस स्टेज पे ये देखिए थोड़ी सी कसूरी मेथी है, मैं इसको डाल रही हूँ और एक बार इसे हिला दूँगी। अभी मैं 1-2 मिनट इसको और ढक के पकाऊँगी, क्योंकि मुझे बिना चेक के ही ऐसे कड़छी से ही पता लग रहा है अभी मटर जो है वो पूरी तरह नहीं गले। तो मैं इसे 1-2 मिनट और पकाऊँगी। गैस का जो फ्लेम है वो मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 1-1.5 मिनट और पका लिया है, मटर भी गल गए हैं अच्छे से, ये देखिए मैंने चेक कर लिया था वैसे, ये देखिए बहुत बढ़िया मटर गल गए हैं। अब मैं इसमें अपना एक और इंग्रेडिएंट डाल दूँगी। यहाँ तकरीबन मैंने ये 150 ग्राम पनीर लिया है, पनीर मैंने घर में ही बनाया है, मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया, उसका छेना बनाया और उसको पोटली में बांध कर रख दिया, तो ये पनीर बन गया। और पनीर मैं घर में कैसे बनाती हूँ इसकी पूरी विधि मैंने मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मिल जाएगी, आप वहाँ से पनीर घर में ही बिना मिलावट वाला पनीर कैसे बनाएं, मिलावटी पनीर से बचने के लिए अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो आप मेरी वो रेसिपी देख सकते हैं। तो ये देखिए बन गया हमारा मटर पनीर मिनटों में, इसमें कोई मैंने फालतू इंग्रेडिएंट नहीं डाला, कोई तेज पत्ता, कोई जीरा, और यकीन मानिए ये मत सोचिए कि इसमें मैंने मसाले नहीं भरे तो ये अच्छा नहीं बनेगा, मेरा यकीन है आप एक बार ऐसे बनाएंगे आप बिना मसालों के, ये बस मेन मसाले हैं, देखिए इससे आपको सुपर डुपर टेस्ट आने वाला है। देखिए शक्ल कितनी अच्छी लग रही है, बस इसको मैं 1-1.5 मिनट ढक के और पकाऊंगी, ताकि जो पनीर है अंदर से फीका ना लगे, इसका जो ग्रेवी है वो पनीर के अंदर थोड़ी सी एब्जॉर्ब हो जाए। तो बस 1-1.5 मिनट के लिए मैं इसे ढकूंगी, गैस का फ्लेम मैंने फिर से लो ही किया हुआ है। तो तकरीबन 1-1.5 मिनट हो गया है और ये देखिए क्या रंगत आई है सब्ज़ी की। अब कोई कहेगा कि ये इतने कम मसालों से, बिल्कुल जो बेसिक मसाला होता है, और अगर आप इसमें लहसुन नहीं भी डालेंगे, आप नहीं खाते तो भी ये ऐसी ही बनेगी, ठीक है, ये मेरा आपसे दावा है। अब मैं इसमें ये हरा धनिया डाल दूँगी, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच समझ लीजिए, मैंने मसाले में पीस कर भी डाला था इसके स्टेम्स, और ये बन गया हमारा मटर पनीर। ये सर्दियों की पहली बढ़िया रेसिपी मटर पनीर लग रही है ना, बिल्कुल शादियों वाली होटलों वाली डिश। तो अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ, गैस बंद कर देती हूँ, देखो मैं भूल गई थी ना गैस बंद करना, अभी हो जाता कबाड़ा। तो अब मैं इसे सर्व कर लूँगी। तो फ्रेंड्स तैयार है ये गर्मा गर्म मज़ेदार मसाले वाली
मटर पनीर की रेसिपी। मुझे पूरी उम्मीद है आपने मेरा वीडियो पूरा देखा होगा, तभी लाइक और कमेंट किया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे आज नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस रेसिपी को आपने रोटी के साथ खाया है या पराठे के साथ खाया है या नान के साथ खाया, आप मुझे ये भी बताना। तो बहुत जल्दी मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।